नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। 3 नवंबर को टिहरी बांध की झील के किनारे कोटी कॉलोनी में आयोजित होने वाले रेवार 2 कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है। कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए सांसद खेल अकादमी के पास पंडाल बनाया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तराखंड राज्य की 19वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए और राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सरकार राज्य स्थापना सप्ताह का आयोजन कर रही है। उत्तराखंड सरकार और इनका हिल फाउंडेशन दोनों मिलके एक 9 नवंबर की उपलब्धि के अवसर पर इसका एक सप्ताह ही बनाया जा रहा है। इसमें टहरी में 3 तारीख को प्रोग्राम होना है। इसका उद्देश्य आओ अपने घर करके है। देहरादून में रिटायर्ड रक्षा लेखा कर्मी के घर लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। बकायदा एसएसपी देहरादून अरुण मोहन जोशी ने इस घटना का खुलासा प्रेस वार्ता कर किया। एसएसपी ने बताया कि 1.5 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए केटरिंग व्यवसायी ने इस घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी अमृतसर भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये घटना गुरुवार दोपहर की थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी कुलविंदर उर्फ करण पुत्र सिधारा निवासी अमृतसर का रहने वाला है और उसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया। जो उनको जानते हैं उनसे फुली के बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो इनका एक परिचित है, जो परिवार पीड़ित परिवार है उनका एक परिचित कुलविंदर जो कि कैटरिंग का काम भी करता है और काफ़ी समय से इनके साथ जुड़ा हुआ था, उस पर शक हुआ कि वो आदमी शायद जो घर में दूसरा आदमी था वो कुलविंदर हो सकता है। और जब उसके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए गए उस दिन का लोकेशन उसके बारे में जानकारी किया गया तो बड़ा सस्पिशियस उसका उस दिन का मूवमेंट था। उसके बारे में जब डिटेल में काफ़ी जानकारी प्राप्त की गई तो पता लगा कि वो घटना के पहले से जो है वो निकला हुआ है अपने घर से और उसके बाद से वो ये बोल करके अमृतसर चला गया है और मॉबाइल वगैरह उसने ऑफ किया हुआ है मॉर्निंग से। टिहरी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संगठन में कई बड़े पदों पर रह चुके रागिनी भट्ट ने जिला बीजेपी संगठन पर उनकी उपेक्षा और राजनीति खत्म करने का आरोप लगाते हुए चंबा ब्लॉक प्रमुख के लिए निर्दलीय ही नामांकन करवाने की घोषणा कर दी। नई टिहरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रागिनी भट्ट ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में भी उनके साथ साजिश रची गई थी और अब चंबा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी उन्हें पार्टी ने अधिकृत नहीं किया। वो टिहरी के जिला बीजेपी संगठन से आहत होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी नामांकन कर रही हैं। रागिनी भट्ट ने कहा कि वो 36 साल से बीजेपी की कर्मठ कार्यकर्ता रही लेकिन टिहरी जिला बीजेपी संगठन उनके लगातार अनदेखी करता रहा। नामांकन करवाने जा रही हूँ ब्लॉक प्रमुख चंबा के लिए, पार्टी की इंतजार करती रही 28 तारीख तक कि टिकट शायद वरीयता के आधार पर होगा लेकिन वरीयता को दरकिनार करके आज टिकट मेरा काट दिया गया है। तो अब जिस मैं सामान्य सीट से जीत कर आई हूँ, मेरे लोगों ने मुझे बहुत सम्मान के साथ और अच्छे मतों से जितवाया है तो मैं अब अवश्य मैं मैदान में हूँ ब्लॉक प्रमुख चंबा के लिए और इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों का भी जो मेरे को समर्थन कर रहे हैं। मेरे को बदनाम पहले से कर दिया गया था कि पीडीएफ में जा रही है। बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में घमासान तय है। बीजेपी की ओर से बसंती देव और कांग्रेस की ओर से वंदना ऐठानी ने दलबल के साथ अपना नामांकन करवाया। बागेश्वर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने आखिरकार अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन करवा ही दिया। नामांकन के दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवान भी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत उम्मीदवार बसंती देव के साथ भी बीजेपी विधायक मौजूद रहे। यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों के द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल भी है। मैं आज अपने भारतीय जनता पार्टी के बलबूते और उनके कहने पे मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवारी की है, आज नामांकन कर दिया। तो सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया है और मैं उनकी हर उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। टिहरी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर बीजेपी की बागी नीलम बिस्ने निर्दलीय और बीजेपी के प्रत्याशी सोना सजवाण ने नामांकन दर्ज करवाए, साथ ही उन्होंने अपनी जीत के दावे भी किए। नीलम बिस्ने का कहना है कि हार जीत तो चुनाव के बाद तय होगी लेकिन हमें सदस्यों का समर्थन मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सोना सजवाण का कहना है कि उनके पास भी पर्याप्त बहुमत है और टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी बीजेपी के खाते में ही जाएगी। तो दोनों साल में हर कोई जो कैंडिडेट होता है वो जीत लेकर चलते हैं। क्या चुनौती मानते हैं?
लोकतंत्र तो एक चुनौती तो है। प्लीज अध्यक्ष जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मेरा कार्यकाल देखते हुए और मेरी जो भी क्षेत्र की समस्याएं देखते हुए उसका समाधान करते हुए जिन्होंने मुझे दोबारा आश्वासन और टिकट दिया मुझे उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत बधाई। और हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में एक पुलिया आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बनने से हरिद्वार के कनकल क्षेत्र के गंग नहर के ऊपर एक कुंभ नदी से पुलिया का निर्माण पूर्णतः गलत बताया जा रहा है। सवाल यहीं पर यह भी खड़ा होता है कि इस पुलिया का फायदा किसको होगा, क्योंकि 19 लाख खर्च कर इसका फायदा किसको होगा, इसको लेकर हरिद्वार के लोक निर्माण विभाग में लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में खासतौर पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता दीपक कुमार की आरती उतारकर और जयमाला पहनाकर विशेष रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं मेयर अनीता शर्मा का कहना है कि किसी के इशारे पर अखाड़ा परिषद के साथ मिलकर उनके क्षेत्र में प्लॉट कटिंग का कार्य किया जा रहा है और कुंभ निधि को फिजूल खर्च कर एक पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है जो कि अवैध है। पुलिया हमारे यहाँ राज्य योजना में स्वीकृत है, तो स्वीकृत है वो काम कराया। देखिए वो जो स्वीकृत होती है हमारे यहाँ वो रिकमेंडेशन पे ही होती है, कोई काम स्वीकृत है उसे विभाग कराता है। किसके रिकमेंडेशन पे? जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ऑलरेडी स्वीकृत चल रही है, काफ़ी पहले से स्वीकृत है। जितनी भी रोडें बनती हैं वहाँ कोई ना कोई घर बनाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जिसकी आवश्यकता थी इसलिए स्वीकृत हुई थी, इसलिए वहाँ पे बनाई थी। देखो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। आप देख रहे हो कि भैरव मंदिर के सामने पुलिया बनाई है, 19 लाख की पुलिया बनी है, ना तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक चलता है, ना कोई वहाँ बस ना ट्रक कुछ भी तो नहीं चलता वहाँ पे। जो इतनी बड़ी पुलिया पे वो बना दिया उन्होंने और सामने भी कोई व्यक्ति नहीं रहता, सब पूरा जंगलात है। एक जो है स्थान है कृष्णा नगर में, तो वहाँ पर एक पुलिया का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया है, जबकि वहाँ पर ना तो सड़क है, ना कोई दुकान है, ना मकान है, और एक भी स्कूटर मोटरसाइकिल कोई वहाँ नहीं जाता। और उसके पास में ही दो पुलियाँ हो रहे हैं, कृष्णा नगर पुलिया है और इधर बाबा रामदेव जी के बाहर वाली पुलिया है। तो हम उन दोनों पुलियों के लिए हमने मेला अधिकारी को भी और पीडब्ल्यूडी को भी दे रखा है कि भाई इनको चौड़ा किया जाए, यहाँ पे रोज यातायात जाम रहता है। नई टिहरी पहुंचे पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 10 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों को बंद करने का निर्णय 5 लाख लोगों को बेरोजगार कर देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा टीएचडीसी के निजीकरण के निर्णय से टिहरी वासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसके विरोध में सभी जनप्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर इसका विरोध जाहिर करना चाहिए। नहीं, आज हमारे सामने और विशेषकर प्रदेश के सामने दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि लगभग 5 लाख लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, जिस तरह से सरकार ने अभी भी पूर्व निर्णय लेने जा रही है 4 तारीख को कि 10 साल पुराने जितने भी डीजल के जो है कॉमर्शियल वाहन हैं आप उनको बंद कर देंगे, तो यहाँ तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक गाड़ी पर अगर आप 2 आदमी भी लगाओ तो 5 लाख लोग हो गए। नरेंद्र नगर में प्रभु राम की 62वीं रामलीला का आयोजन शुरू हो गया। गणेश पूजन के साथ पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह के हाथों रिबन काटकर इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। शारदीय नवरात्रों में होने वाले श्री कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले के बाद ही नगर में प्रभु राम की लीला का मंचन किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि लोगों को भगवान राम से मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि वो रामलीला को देखने बढ़ चढ़ कर आएं। हरिद्वार लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों ने विभाग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली से परेशान होकर ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदार धरने पर बैठ गए। उन्होंने अनियमितताएं बरतने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग उनके द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान में पारदर्शिता नहीं बरत रहा, किसी को कम तो किसी को ज्यादा भुगतान किया जा रहा है। नए कार्यों के लिए पुराने ठेकेदारों को दरकिनार करके नए ठेकेदारों को और चहेतों को काम दिया जा रहा है। साथ ही खनन नीति पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसके बंद होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों में भारी रोष है, जैसे पेमेंट करते हुए पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, किसी आदमी को भुगतान ज़्यादा किया जा रहा, किसी को कुछ नहीं किया जा रहा, किसी को कम किया जा रहा, किसी के बिल पूर्व में बने हुए हैं उन्हें भुगतान नहीं किया गया, जिनके बाद में बिल बने उन्हें भुगतान कर दिया गया। हरिद्वार भेल क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने नरभक्षी गुलदार की वजह से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। ये नरभक्षी गुलदार अभी तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है। नरभक्षी गुलदार के आतंक से लोगों को बचाने के लिए भेल फैक्ट्री के स्थायी अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने वन मंत्री हरक सिंह रावत, हरिद्वार जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी और DFO आकाश वर्मा को गुलदार को पकड़ने और खत्म करने के लिए नोटिस भेजा है। इसमें लिखा गया है कि अगर भविष्य में गुलदार की वजह से कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी इन तीनों की ही होगी। हरिद्वार में ये जो BHL एरिया है, यहाँ BHL एरिया है, सिडकुल का एरिया है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बने हैं,
सिल्कुल कंपनी है जहाँ पर लेडीज नौकरी करती हैं, सुबह जाती हैं दुकान कंपनी में, शाम को अपना घर वापस जाना अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर गुलजार है, आया हुआ है, लेकिन हमारे जिलाधिकारी, हमारे वन मंत्री जो हैं और जो DFO है, इनका ध्यान बिल्कुल भी इस बारे में नहीं है। इस क्षेत्र में गुलजार की उपस्थिति से लोगों में एक भय बना हुआ है, और अभी तक हमारे पास जो जानकारी निकल के आई है उसमें ये है कि एक गुलदार यहाँ पर मानव आबादी क्षेत्र में लगभग रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। हम लोगों ने इन सब को वेरीफाई करने के लिए अलग अलग जगह पे कैमरा ट्रैप्स लगा रखे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।